आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड के हिंदी व्याकरण के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर का नाम है वर्णमाला, वर्ण और मात्रा। वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। तो जानेंगे वर्ण क्या होता है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके कभी खंड नहीं किए जा सकते, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, वर्ण कहलाता है। और वर्णमाला, तो वर्ण, वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। और मात्रा, वर्णों को लिखने की स्थिति को चिन्ह या मात्रा कहते हैं। अब है वर्ण। तो बोलते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों और शब्द वर्णों से बनते हैं। अब चित्र देखकर उसके नाम का उच्चारण करो। तो इनमें प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है, उन ध्वनियों को जाने। तो सेब है तो सा है, आ एक ही ध्वनि है, बा है उसमें आ की ध्वनि है साथ में। गुलाब है तो गा की है, ऊ की है, ला है बड़ा आ की है, बा है, तो इसमें चार ध्वनियाँ हैं, इसमें छः ध्वनियाँ हैं, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो भाषा की, हमने पहले ही बता दिया, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहते हैं वर्ण के कभी खंड नहीं किए, इसके टुकड़े नहीं होते हैं वर्ण के कभी। अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला है वर्णों के निश्चित क्रम को या निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला देखिए इस प्रकार है। आ है बड़ा आ, ई ऊ बड़ा ऊ, रिर ए आई ओ औ अंक अह। तो ये पूरा गिज्ञानी तक है इसका, आप देख सकते हैं गिज्ञानी तक है। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला को पूरे। और वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। तो वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, जो जिनको बोलने में किसी की सहायता ना लेना पड़े वो स्वर कहलाते हैं, या जिनके उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेना पड़े वो स्वर कहलाते हैं। और दूसरी बात, ये स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, आप देख सकते हैं। देखो आ बड़ा आ, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, रिर ए आई ओ औ। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जिनके अंत में आ की ध्वनि निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देख सकते हैं आप उसमें व्यंजन। तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 अक्षर होते हैं। इसके बाद चार ए हो गए और चार ए तो 33 हो गए। अबे देखो इनमें से कुछ अतिरिक्त वर्ण हैं, डा डा जो नीचे बिंदु वाले हैं, अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, छात्र आ गया, ये संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजनों अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब है तो हमने पहले ही बताया कि सभी व्यंजनों के साथ आ की ध्वनि निकलती है। जैसे का है तो का में हलंत लग जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही व्यंजन में क्लियर कर दिया कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हर व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए। तो देखो आप इसमें देख सकते हैं। अब वो कह रहा है हलंत लगा के, हलंत क्यों, जब आ नहीं लिखना होता है, अगर किसी व्यंजन के साथ आ नहीं लिखेंगे तो वो आधा अक्षर माना जाता है, पूर्ण नहीं किया जाता, हलंत लगा के या तिरछी रेखा लगाते हैं, यह तिरछी रेखा हलंत कहलाती है।
अबे हिंदी के स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, तो एक तो वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं जैसे आ ई ऊ ए ई, और दूसरा है व्यंजनों की मात्रा के रूप में जैसे का प्लस आ तो का हो गया, का प्लस ई तो की हो गया। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं, देख सकते हैं आप मात्रा कहलाते हैं। अब है आइए स्वरों की मात्रा जानें, तो आ की देख सकते हैं आप, इसमें आ की कोई मात्रा नहीं है, बड़ा आ की है, ई की है, बड़ी ई की है, ऊ की है, बड़ा ऊ की है, रेड की है, ए की है, आई की है, ओ की है, औ की है। देखो ये मात्रा देख सकते हैं, तो प्रयोग भी किया है इसका, का तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा का की है, देखो की भी है, कू है, किरा हो गया, राखी रकार लगी राशि से, के को कऊ। अब है आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा, हमने पहले ही बता दिया कि आ की केवल मात्रा नहीं होती, सभी स्वरों की मात्रा होती है। अब है रा है ऊ के साथ तो रू हो जाएगा, रा है तो रू हो जाएगा, हा है तो हरा हो जाएगा, सा है तो सरा हो जाएगा, इस श्रृंगार वाला सरा है। अब है व्यंजनों के साथ कुछ अन्य चिन्ह भी जोड़े जाते हैं, तो आ है अंकी बिंदी है तो हंस हो गया, और ये देखो आ है चंद बिंदु है तो चांद है, आँख है, हंस है, हाँ है, और अब विसर्ग आ गया तो नमा है, अता है, प्राता है, पुना है, इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है जी। देखो कुछ अन्य चिन्ह जोड़े जाते हैं जैसे अंकी बिंदी है, हंस है, पंख है, गंगा है, अंधा है, और ये चंद बिंदु भी लगा के बताया है इसमें, आप देख सकते हैं चंद बिंदु भी बताया है इसमें, और विसर्ग भी नमा है, प्राता है। अब है अभ्यास की बात करेंगे तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, तो हमने आपको बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, तो सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके कभी खंड नहीं किए जा सकते। अबे हिंदी में स्वर होते हैं, तो पहले ही हमने आपको बता दिया हिंदी में 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब है हिंदी में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजनों की संख्या 33 है, पहले ही आपको बता दिया हमने इसमें। अब अगला है रिक्त स्थानों को भरो, तो प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बना, देखो कोई ना कोई शब्द है तो उसमें कोई ना कोई ध्वनि तो होती है, तो कुछ ना कुछ ध्वनियों से बना होता है, पहले में ध्वनियाँ भरा जाएगा। सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर, तो सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। अब स्वर के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में आ की ध्वनि होती है, हमने पहले ही बता दिया वर्णों का उच्चारण करते समय आ की ध्वनि निकलती है। अब है स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, तो जो चिन्ह होते हैं स्वरों के उन्हें मात्रा कहा जाता है। अब है जो वर्ण दिए गए हैं इनको मिलाकर शब्द लिखिए, तो दा है, ए है, ना है, ई है, का है, आ है, तो ये क्या हो गया, दैनिक हो गया, ना है, ई है, या है, आ है, माँ है, ई है, ता है, आ है, तो ये नियमित हो गया। अब गा है, ओ की मात्रा लग जाएगी, पा है, आ की मात्रा लग जाएगी, ला है, आ की मात्रा आ लग जाएगा, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती तो गोपाल हो जाएगा, हा है, ई है, माँ है, आ है, ला है, आ है, या है, तो हा है, हा में छुट्टी की मात्रा लग जाएगी तो ही हो जाएगा, माँ बड़ा हो जाएगा, ला छोटा हो जाएगा, या तो हिमालय हो गया। अब है
गा है, ओ है, ता है, आ है, मा है, आ है तो गौतम हो गया, पा है तो पू की मात्रा हो जाएगी, राम है ओ की मात्रा लग जाएगी, हा में ई की मात्रा, और ता तो छोटा है तो पुरोहित हो जाएगा। अब है दिए गए बाणों को अलग अलग करके लिखो, तो बाण हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना है, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखो सेतु है तो सा हलंत वाला सा, ए लग गया, ता हो गया, ऊ हो गया तो सेतु हो गया। अब ला है लतीला, आ लग गया साथ में, चा के हलंत में बड़ी की मात्रा हो गई, ला हो गया बड़ा तो लचीला हो गया। अब ये दिवाकर है तो दा के साथ छुट्टी की मात्रा आएगी और बा के साथ आ आएगा, का आ रा ए अकेले आ के साथ आएंगे। अब है सौदागर तो सा के साथ औ की मात्रा आएगी, दा के साथ आ की मात्रा और गा वा तो सिंगल हो जाएंगे, इनके साथ केवल आ की ध्वनि निकलेगी। अब है अब है इसमें जंगल है तो जंगल में जा हो जाएगा, आप देख सकते हैं हलंत वाला, फिर इसके साथ आ जाएगा और ना हलंत वाला रहेगा, फिर गा होगा हलंत वाला, इसके साथ आ जाएगा और फिर इसके साथ प्लस में ला और हलंत वाला आ, तो जा के साथ आएगा ना आएगा, ना हलंत वाला ही आएगा और हलंत वाला गा और हलंत वाला ला, उसके साथ आ प्लस होगा। तो देखो इसमें आपके इसमें देखिए जा के साथ आ नहीं दिया गया है, ना अकेला हलंत वाला होना था, ये पहले से भरा हुआ था लेकिन हमने आपको बता दिया इसमें जो गलती थी। अब है बा है ई हो छुटी की मात्रा हो जाएगी, दा है ए हो जाएगा, सा है बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो विदेशी हो जाएगा। अब है बाण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहलाता है, तो बाण भाषा की सबसे छोटी इकाई इसलिए कहलाता है क्योंकि इन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए, तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके इनके बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती या इनके उच्चारण की उच्चारण में किसी वाण की सहायता नहीं ली जानी पड़ती है। अब है व्यंजन, तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वाण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वाण हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है हमेशा, और इनके अंत में आ की ध्वनि निकलती है। अब वर्णमाला से अभिप्राय है, तो वर्णों का निश्चित क्रम या निश्चित समूह वर्णमाला कहलाता है, वर्णों का निश्चित क्रम या वर्णमाला निश्चित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब यह भाषा किसे कहते हैं, तो पिछले चैप्टर में हमने बताया था मन के भावों, पहले तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, संस्कृत की भास धातु से हुई है, तो उसका अर्थ होता है क्या, बोलना। अब बोलने से तात्पर्य है कि मन के भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा नहीं होती तो हम किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते थे। अब आखिरी है स्वर तथा स्वर व व्यंजन में अंतर स्पर्श करो, तो ये दूसरा वाला है, तो इसकी एक डेफिनेशन परिभाषा लिख देंगे, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो ये तो स्वर हो गया, और व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, तो इनका अंतर हो गया। बस इतना ही, अभी आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है, थैंक यू। और ये जो वर्क है इसे फेयर कॉपी पे जरूर करना है।